चयन राधा का है दम, मेरा नहीं। तुम्हें अभी भी वचन की पड़ी है कान्हा? राधा के प्रेम का क्या कान्हा? अरे प्रेम का क्या? प्रेम छोटा सा शब्द किंतु इसके डगर अत्यंत कठिन, और इस प्रेम को पाने के लिए इसके सबसे बड़े विकार मोह, इससे मुक्ति आवश्यक है दाव। राधा को महायुद्ध करना होगा इस मोह से, इस मोह को अपने अंतर मन की गहराइयों से उखाड़ फेंकना होगा उसे। क्या हुआ राधा? क्या कोई बात है जो तू अपनी मां से कह नहीं पा रही? बोल राधा। नहीं मां, ऐसा कुछ नहीं है। बचपन में तो तेरे हृदय की बात बिन बोले समझ जाती थी मैं, और बड़े होने के बाद भी तेरी मां से अधिक सखी बनकर रही हूं मैं, है ना? तो अपनी मां से नहीं कहेगी? बोल ना राधा, क्या बात है? अब आपसे भला प्रेम की बात कैसे कहूं मां? सच में बहुत बड़ी हो गई हो राधा। अपने मन की बात अपनी मां से छुपाना चाहती हो तो मैं बाध्य नहीं करूंगी, परंतु जब भी मन करे मुझे बता सकती हो। हां, मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूं। माँ, मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ माँ, मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ माँ, मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ माँ। कृष्ण से प्रेम करती हूँ? हाँ माँ, यही सत्य है। सुना है कि राधा के विवाह की बात पक्की हो रही है मित्र। ये सुनकर मन अति प्रसन्न हुआ। बहुत बहुत बधाई। मैंने भी नहीं सोचा था कि ये इतना शीघ्र और इतनी सरलता से हो जाएगा। क्या बात है कृष्ण, तुम इस शुभ समाचार से अधिक प्रसन्न नहीं दिख रहे हो? वैसे समाचार तुम्हें स्वयं राधा बिटिया ने दिया था ना? अरे क्या मां, तुम भी कैसी बातें करती हो। राधा तो कृष्ण को स्वयं ही बताएगी ना अपने विवाह के बारे में। अब हम सब जानते हैं कि राधा और कृष्ण कितने घनिष्ठ मित्र हैं। अरे क्या बात है कृष्ण, तुम कुछ कह नहीं रहे। तुम्हारी प्रसन्नता स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हो पा रही। क्या हुआ? यदि राधा प्रसन्न है तो मैं भी प्रसन्न हूं। राधा की प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता समाहित है। किंतु राधा है कहां पे? वो अपने कक्ष में, मैं अभी। अरे काका, आप क्यों कष्ट कर रहे हैं? मैं राधा के बालपन का मित्र और राधा का नया किंतु घनिष्ठ मित्र कृष्ण भी तो है यहां। हम दोनों साथ मिलकर राधा को लाने जाएंगे।
क्यों कृष्ण, चले हमारी सखी राधा को लाने। माँ, क्या मैंने उससे प्रेम करके अनुचित किया? नहीं, जानती हो जब मैंने पहली बार तुम्हें और कान्हा को देखा था तो मेरे मन में भी यही विचार आया था कि राधा और कृष्ण को तो साथ होना चाहिए, किंतु उस समय कृष्ण के सर पर कंस का संकट मंडरा रहा था। किंतु माँ, अब तो ऐसा कोई संकट नहीं है ना? नहीं, और अब तो तू कृष्ण से प्रेम भी करती है ना? हाँ माँ, कृष्ण से बहुत प्रेम करती हूँ। प्रेम करती हूँ, प्रेम करती हूँ। प्रेम संबंध दोनों ओर से होने चाहिए। तुम कृष्ण से प्रेम करती हो, किंतु क्या कृष्ण भी तुमसे प्रेम करता है? हाँ काकी, मैं राधा से प्रेम करता, बहुत प्रेम करता हूँ। कृष्ण के बालपन से प्रेम करता। हाँ माँ, कृष्ण भी मुझसे प्रेम करता है। मुझे मेरे भाई से मुक्त किया है उसने। कितनी बार रक्षा की है उसने मेरी, जानते हो? ये पुष्प लाने के लिए वो उस दुर्गम पर्वत तक चढ़ गया था केवल मेरे लिए। और ये शालिग्राम कृष्ण का सबसे प्रिय और दुर्लभ पत्थर, स्वयं अपने हाथों से इसका कड़ा बनाकर मुझे भेंट के रूप में दिया, ताकि संकट के समय मुझे इस पवित्र शालिग्राम से शक्ति और ऊर्जा प्राप्त हो। बड़े भैया, आप स्वयं को शास्त्र के ज्ञाता मानते हैं, समझते ही होंगे। द्विषत्व न प्रेमम सत्रजी, विजय कभी भी इस घृणा की नहीं होती, विजय सदा केवल प्रेम की होती है। बड़े भैया, किंतु राधा, क्या कृष्ण ने तुम्हें कभी स्वयं कहा कि वो तुमसे प्रेम करता है? नहीं, स्वयं तो नहीं कहा, किंतु वो। नहीं राधा, ये सब कुछ जो कान्हा ने तुम्हारे लिए किया है वो एक शुभचिंतक के नाते भी तो हो सकता है, और ये उपहार एक मित्र के नाते भी तो हो सकते हैं। हमें ये सुनिश्चित करना होगा राधा कि कृष्ण तुम्हें वास्तव में प्रेम करता है या केवल एक मित्र है। इस एक बात पर बहुत कुछ निर्भर करता है राधा। ये चुनाव सावधानी से भरा होना चाहिए राधा, क्योंकि इस पर बहुत कुछ दांव पर लगा है। यदि कृष्ण कह दे कि वो तुझसे प्रेम करता है तो मैं स्वयं तेरे बाबा से बात करूंगी राधा। तुम दोनों के विवाह के लिए मुझसे जो कुछ भी बन पड़ेगा मैं अवश्य करूंगी। प्रेम तो कृष्ण मुझसे करता ही है, बस व्यक्त करने की देरी है। देरी? शुभ काम में देरी क्यों? चलो अभी जाके बता देता हूँ। क्यों बड़े भैया? राधा, रहे
सब कुछ मुझे अपना लगे, तुमसे बिछड़ते ही ये जग, तुमसे बिछड़ते ही ये जग टूटा हुआ सपना लगे। तुम प्रीत हो, तुम गीत हो, मन मीत हो, कान्हा मेरे मन मीत हो। हरे कृष्ण, 100 वर्ष जियोगे पुत्र, अभी हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे, है ना राधा? मेरी बातें हो रही थी? अच्छा, क्या बातें हो रही थी, बता बता। कृष्ण, वो मैं माँ से, हम मतलब तुम। राधा, कीर्तिदा काकी। क्या हुआ आयन? आपको वृषभान काका नीचे बुला रहे। चलो राधा, शीघ्र चलिए काकी, आइए। राधा, तुम कृष्ण से बात करो, मैं नीचे जाती हूँ, देखती हूँ कि बात क्या है। चलो आयन।